दिया गया है सम्राट अशोक महान को इतिहास में बहुत विशेषकर उनके द्वारा अपनाए गए शांति संबंधी प्रयासों के कारण। वे एक शाही विजय और सैन्य निशान के लिए प्रसिद्ध उनके शासन काल को भारतीय इतिहास में एक स्वर्णिम युग के नाम से जाना जाता है, जिसमें सामाजिक एवं आर्थिक शहरी वही देख ले सीट होते सीएफओ साहब ने दिल्ली फायर सर्विस में अपने सफर की शुरुआत सन 1989 में सब ऑफिसर के पद से की थी। तत्पश्चात स्टेशन ऑफिसर, उपमंडल अधिकारी एवं उप मुख्य अग्निशमन अधिकारी के पदों पर सेवाएं देते हुए आज साहब मुख्य अग्निशमन अधिकारी एवं प्रिंसिपल ट्रेनिंग के पद में विशेष रूप से उल्लेख हुए तेंदू नगर फायर थी, जिसमें साहब के नेतृत्व में दिल्ली अग्निशमन सेवा लगभग 80 लोगों के कीमती प्राण बचाने में सफल हुई थी। इन्हीं प्रयासों को मान्यता देते हुए सरकार द्वारा साहब को सन 2013 में फायर सर्विस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस से सम्मानित किया गया। तो एक बार जोरदार तालियों द्वारा अभिनंदन दीजिए सीएमओ साहब का। और बताया था आपको कि प्लाटून नंबर 4 बिल्कुल बिगुल की ये ध्वनि सूचक है कि दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि श्री अतुल गर्ग निदेशक दिल्ली अग्निशमन सेवा का इस भव्य प्रांगण में आगमन हो चुका है। सभी अतिथिगणों से अनुरोध है कि अपने स्थान पर खड़े होकर और जोरदार तालियां बजाकर चीफ गेस्ट का अभिनंदन करें। राष्ट्रीय सलूट के समय सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, केवल वर्दीधारी अपने स्थान पर रहकर सलूट करेंगे। आज के इस भव्य परेड के कमांडर अक्षय गुलिया चुस्त व सजे हुए कदमों के साथ मुख्य अतिथि महोदय को परेड की रिपोर्ट देने हेतु आगे बढ़ते हुए सधे कदमों से हौसला आसमान की बुलंदी को छूते हुए